So we delayed this press conference because today आपने देखा होगा कि सुबह बहुत बारिश थी, बहुत ही अलग अलग इलाकों में, और हमारे कुछ मॉक पोल के दौरान और पोल के दौरान काफ़ी वीवीपैट सीयूज वगैरह में चेंज होने की वजह से पोलिंग में थोड़ी देरी हुई, और उसकी वजह से कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे अभी भी पोलिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्ट से बात करें तो तिराप, देन लोअर दिबांग वैली, तेजू, अपर सियांग, याचुली, फिर उसके बाद सिजुसा, सगाली और बसा, ये जगह हैं जहां अभी भी हमारी पोलिंग चल रही है। जैसा कि आप सबको विदित है कि 5 बजे के बाद हमारी जो टाइमिंग थी वो 5 बजे थी, लेकिन 4:55 पर हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने बाहर आकर जब देखते हैं कि वहाँ पर और भी लाइन है, तो उनको स्लिप वितरित की जाती है, और उन्हीं स्लिप के आधार पे हमने जो फिगर्स तैयार किए तो वो अलग अलग जगह पर हमें मिले हैं, और अभी वो जब पोलिंग ख़त्म होगी तब हम अपना पूरा परसेंटेज पोल का बता पाएंगे। लेकिन 5 बजे तक हमारा जो पोल परसेंटेज था वो 67.13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए था, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 65.79%, जो कि इस बार 5 बजे तक का हमारा प्रतिशत रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुर्गम इलाके रहे हैं जहां का कम्युनिकेशन प्लान हमारा होने के बाद जब ये पार्टीज आएंगी तब हमारा प्रतिशत बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा 4 ऐसी जगह है जहां पर पिछले बार की तुलना में ऐसे कुछ वायलेंस की खबर आई। 3 ऐसी जगह दापोरिजो में थी और 1 कुरुंकुमे में। कुरुंकुमे में न्यापिन एरिया में लोंगलात एक जगह है, दापोरिजो में बोगिया सियूम, लेंगी और देहकसरी, ये 3 पोलिंग ऐसे स्टेशन हैं जहां पर ईवीएम को स्नैच करने की कोशिश की, और जैसे ही अगर ईवीएम को हमारे यहाँ पर डिस्टर्ब किया जाता है तो हम लोग कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। साथ में जिन्होंने ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने बीच में पोलिंग को डिस्टर्ब किया, उनके खिलाफ एक्शन हमने इनिशिएट कर दिए हैं, और उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश हमने किए हैं। इसके अलावा आज जो अच्छी बात रही कि हमारी जो पोलिंग पार्टीज थी उनमें से कल जो मैं बता रहा था कि 150, लेकिन 162 ऐसे पोलिंग स्टेशन रहे हैं जो महिलाओं ने, पूरी की पूरी जो पार्टी थी वो वुमेन मैनेज्ड वो थी, और कई ऐसी पोलिंग पार्टीज वापस लौट कर अपने रिसेप्शन सेंटर पर बड़ी सफलतापूर्वक आकर उन्होंने अपनी पोलिंग कराने के बाद पोल्ड ईवीएम्स को जमा कराया। इसके साथ साथ कुछ और अच्छे पॉजिटिव चीज़ थी कि कुरुंकुमे जैसी जगह पर जहां पर हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को उसको माना जाता था, लेकिन आज वहां पर पोलिंग पार्टीज का जब देखा जाता है तो पोलिंग स्टेशन के पास वहां पे क्रैच सुविधाएं हैं, बड़े बूढ़े लोगों के लिए अलग से पिंक बूथ के साथ साथ वहाँ अलग सुविधाएँ दी गई, लोगों को आराम करने के लिए, लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए, वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ हमारे सामने आई, क्योंकि कुरुंकुमे को हमेशा आज तक एक लॉ ऑर्डर के एक सेंसिटिव पोलिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाता था, लेकिन कुरुंकुमे में कोलोरियांग जो हमारी है उसमें आज एक भी इंसिडेंट हमारे पास सामने नहीं आया, जो कि एक बड़ी अच्छी खबर है। हमारा जो सीजर थोड़ा सा बढ़ा है, उसमें अभी टोटल हमारा सीजर हुआ 18,44,01,858, और टोटल जो वॉयलेंस की हमारी जो खबर है, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स अभी हमारे पूरे स्टेट में 44 हो गए एमसीसी में, और 42 की इंजरी की हमारे रिपोर्ट है। आज का जो जहां जहां वॉयलेंस अगर कहीं बाहर हुआ है उसकी रिपोर्ट अभी हमें आनी बाकी है। अगर बात करें हमारी ईवीएम्स की,
तो टोटल जो BU, CU और VVPAT हैं 2019 के मुकाबले उनमें भी काफ़ी गिरावट आई है, जो कि उनमें कोई गड़बड़ी इन द सेंस कि जो हमें बदलना पड़ा या कई ऐसे VVPAT बीच में पोलिंग के टाइम में उनको बदलने की ज़रूरत पड़ी। और सभी पोलिंग जो एजेंट्स हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के, हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उनको सबको मैं उनके सहयोग के लिए, उनकी सभी के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। आज से जो इलेक्शन ओवरऑल जो पीसफुल इलेक्शन अरुणाचल में हुआ उसके लिए भी हम सभी इलेक्शन में जो शामिल लोग हैं उन सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। ये जो 42 इंजर्ड इन कोविड रिलेटेड वायलेंस, तो ये बामेंग का क्या हुआ था? मैंने सुना था केस हुआ, सुना था कोई आदमी मारा होगा। नहीं, मरने की खबर अभी तक आई नहीं है, इंजरी हुई है, लेकिन जैसे ही जो अपडेट होता है वो हमें जैसे पार्टी SPNO स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर से हमारे पास रिपोर्ट आती है और उसी आधार पर हम लोग उसको अपडेट करते हैं। इसके साथ एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे हमारे अपर सियांग में, उनको हार्ट अटैक आया सुबह मॉक पोल के दौरान, उनको भी हमने डिब्रूगढ़ में शिफ्ट किया। अपर सियांग इंक्योंग में। उसमें एक जो यूथ था वो पोलिंग स्टेशन में जाके जब अपना वोट दे रहा था उसी समय उसने BU के साथ BU को उठाकर नीचे गिराने की कोशिश की। एक बाद में हमने उसको रिज्यूम भी किया जब चेक किया कि उसमें किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरी बार भी शाम को 4 बजे के आसपास फिर से ऐसी ही घटना उसी पोलिंग स्टेशन पे हुई, तो हमने उसको पोलिंग को रोक दिया। रिपोल होगा जी। पोलिंग स्टेशन का नाम, पोलिंग स्टेशन का नाम है लॉन्ग लाट इन यापिन जी। जहां पर भी हमने पोलिंग रोकी या पोलिंग जिसने भी कितना में सर वो होगा, अभी तक हमारे पास 4 की रिपोर्ट है। लेकिन ये उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो हमें स्क्रूटनी पर कल ऑब्जर्वर जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं, कल वो जब अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी और ये सब जब चेक करेंगे CU और सबको मिलाकर, उसी समय हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। हमें डिटेल अभी रिपोर्ट उस जगह से नहीं आई है क्योंकि ये नाचो के एरिया था जहाँ पर कम्युनिकेशन प्लान केवल हमारा WHF और VHF के थ्रू ही था, डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी वहाँ नहीं थी। एक्सपेक्टेड नॉट कन्फर्म्ड। एज आई मेंशन बोगिया सियुम लेंगी एंड देख सरी BOGIASIYUM LENGI अंदर नाचो। सर देयर याचुली में 26 नंबर पोलिंग स्टेशन में सर जो EVM मशीन है वहाँ पे सिर्फ सर दो कैंडिडेट लोकसभा के लिए दो कैंडिडेट का ही ऑप्शन, बाकी सबके था ही ऑप्शन सर। ऐसा ऐसी खबर हमें नहीं आई। यहाँ पे वोटर आके बाकी का था ही ऑप्शन नहीं, ऐसी कोई खबर हमें तो नहीं मिली है अभी तक। अफवाहों पे ध्यान ना दें। नो, इंसिडेंट की पूरी जो डिटेल्स हैं वो हमें जब तक नहीं मिल जाती हम लोग उस पर कयास नहीं लगा जाते, तो वहाँ के जो DCSP से और RO से जब हमें डिटेल रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी उसको हम लोग बाद में आपके साथ कल शेयर करेंगे। मैंने बताया कि रिपोल का जो डिसीजन होता है वो हर जगह पर किसी भी जगह पर जो DO की रिपोर्ट और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर होता है। ये डिसाइड CO नहीं करते हैं, ना ही CO लेवल पे होता है। जो भी रिपोर्ट हमारे पास कल स्क्रूटनी के बाद आती है वो हमको इलेक्शन कमीशन को भेजना होता है, इसलिए हमारे लेवल पे किसी भी प्रकार की ना तो कोई एग्जामिनेशन होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाता है। देखिए, जो इंसिडेंट्स होते हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर या पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अलग अलग क्लैशेज होते हैं या लॉ एंड ऑर्डर की जो भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर बाहर होता है,
हाँ, लेकिन ये खबर अभी हमें पुख्ता रूप से जब तक हमें आरओ की तरफ से या डीओ की तरफ से नहीं आ जाती है, क्योंकि हम लोग पुलिस की रिपोर्ट को भी अपनी तरफ से पहले एग्जामिन करते हैं और उसके आधार पर ही हम इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। इसलिए आप देखें कि जो लॉ ऑर्डर रिपोर्ट होती है वो LOR 1 और LOR 2 के रूप में जाती है, MCC की जो रिपोर्ट होती है वो भी 1 और 2 के रूप में होती है, क्योंकि हमको एक कंपाइल करना होता है और उस कंपाइलेशन में हम पूरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिपोर्ट को देखते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई क्लैश ना हो और किसी प्रकार के कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। बॉम्बिंग का इंसिडेंट में एग्जैक्टली कितने आदमी जो हुआ सर, अपडेट क्या है? I don't have any update on that. Sir, ये जो नाचोला जो तीन हमें बम किया गया है, तो what was the reason? It is for technical snag of the EVMs or violence? कहाँ पर? नाचोला। देखिए, अभी तक जो हमारी जो टेलीफोनिकली जो रिपोर्ट आई है उसमें यही है कि वहाँ पर कुछ EVMs को लेकर, पोल वायलेंस को लेकर कुछ इश्यूज हुए थे। डिटेल रिपोर्ट हमने भी मांगी है। सर, वो EVM ले गया या बस अपनी? नहीं नहीं, EVM कोई नहीं लेकर गया। हाँ, तो हम लोगों ने जो टोटल हमारे पास PC में 8 BU, 8 CU और 34 VVPAT को हमने रिप्लेस किया था, और AC वाइज 16 और 33 VVPAT। सो ये संख्या अगर आप 2019 के मुकाबले देखें तो काफ़ी कम है, क्योंकि 2019 में ये 121 थी जो इस बार 34 है, पिछली बार 57 थी जो इस बार 8 है, और 41 और 50 के मुकाबले इस बार 16 है, और 112 के अगेंस्ट में इस बार 33 है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो जब कंपैरिजन होता है तो आपको उसमें डिटेल पता चलती है कि हम लोग कितने सक्सेसफुल रहे हैं। एनटीपी के एंटिटीज ने जैसे एलिगेशंस लगाए कुछ ऑन वीडियो में, उन्होंने बताया कि वहाँ पे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। कहाँ पर? लोंगडिंग में सर। नहीं, लोंगडिंग की कोई खबर हमें कल तक जो थी वो थी कि वहाँ पर हुआ, लेकिन आज का बाहर देखो, पोलिंग स्टेशन के बाहर या किसी भी जगह पर डिस्ट्रिक्ट में जो भी एक दूसरे के साथ क्लैशेज होते हैं उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो जो रिपोर्ट आती है वही हम लोग इंसिडेंट के रूप में, वायलेंस के रूप में हम अपने MCC में और अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को डिस्टर्ब करने के लिए या पोलिंग पार्टी को नहीं जाने के लिए या फिर पोलिंग स्टेशन में किसी प्रकार की कोई वायलेंस करने के लिए, इस प्रकार के केवल 4 केसेज हमारे पास आए जिनका मैंने अभी विवरण दिया। सर, अभी तक जो आपने इंफॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग द पोल ट्रैक, तो हाईएस्ट पोलिंग कहां में हुआ है? उसकी डिटेल भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो अनकंटेस्टेड जहां पर हुई हैं वहां हमारे पास कम प्रतिशत है, बाकी काफ़ी अच्छा प्रतिशत हमको मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं ट्रेंड देख रहा था 2 आवरली रिपोर्ट का, तो कामले में काफ़ी अच्छी परसेंटेज रही है, आपका जो अदर चांगलांग, हाँ चांगलांग में भी, जो कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी मैं नहीं बोलूँगा, कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पर अच्छा परसेंटेज हमको देखने को मिला। आपने कहा कि जहाँ पे अनपुलिस्ड है वहाँ पे PC में कम रहा है आपको, इसलिए कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुकाबले ऑफकोर्स कहीं पर भी आप देखेंगे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर लोगों में ज़्यादा क्रेज होता है, अपनापन सामने जो MLA के लिए जो पार्टिसिपेशन रहता है वो ज़्यादा रहता है, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्क में हम लोगों को कम हमेशा देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग रूम में फॉर एग्जांपल जैसे आज अलग अलग स्टेट का भी आप देखेंगे तो बिहार, महाराष्ट्र और कई अन्य प्रदेश, वहाँ पर भी पोल परसेंटेज बहुत कम है। अगर वही कंपेयर करेंगे आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वो बहुत ज़्यादा होता है। सारी मशीन्स को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाए, स्ट्रॉन्ग रूम्स की क्या जितनी फैसिलिटीज हैं CCTV और सिक्योरिटीज के लिए, इसके लिए आप लोग कैसे? सारी जो भी आज रिसेप्शन सेंटर पे जितनी भी मशीन्स आएंगी उनको हमने 2 भागों में बांटा है, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक स्ट्रॉन्ग रूम होगा और दूसरा स्ट्रॉन्ग रूम हमारा अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होगा। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सभी DEOs को ये दिशा निर्देश दिए गए कि ECI की जो गाइडलाइन है, जो भी CCTV कैमरा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज का 24/7 वहाँ पर कवरेज रहेगा,
इसके अलावा जो जब भी स्ट्रॉन्ग रूम को सील किया जाता है या उसको खोला जाता है तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सबको बुलाकर उनके सामने ही उसका उसको सील किया जाएगा। नहीं कल नहीं, आज ही हम लोग जब तक हमें नहीं आता है हम पूरी रात भर यहाँ पे काम करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जब तक पूरी पार्टीज वापस नहीं आ जाती हैं तब तक हम लोग ये रखेंगे, बट हमारा जो पोलिंग परसेंटेज है वो अभी अगले एक घंटे में हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो परसेंटेज होगा वो हम लोग आपको व्हाट्सएप के थ्रू, जो हमारा ग्रुप है मीडिया के भाई आप सब लोगों के साथ, उस पर हम लोग अपना परसेंटेज शेयर कर देंगे। सर पब्लिक के एलिगेशन तेजू में, लोहित में अभी तक वोटिंग चल रही है, वो कह रहे हैं कि लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से है कि किस वजह से, क्योंकि अभी तक लोग सुबह से जो लाइन में है वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि शाम तक वो अभी तक लाइन में है और अब तक वोटिंग चल रही है लोहित डिस्ट्रिक्ट में तेजू में, तो आपकी लैक ऑफ ट्रेनिंग ऐसी कुछ नहीं? लैक ऑफ ट्रेनिंग की बात नहीं है, देखिए 7 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा पोलिंग टाइम था, बाकी देश में ये बहुत लंबा होता है कई जगह पर अगर आप देखेंगे, और तेजू रोइंग और ऐसी जगह जो प्लेन एरिया में जहाँ पे संख्या ज़्यादा है आप उसको भी देखें कि 60-70 की मतदाताओं के वो वोटिंग स्टेशन नहीं होता, हर स्टेशन जो होता है वो 1400 से ऊपर के लगभग वो होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि दिन में बारिश हुई, सुबह से जब 7 बजे मैंने बात की तभी भी बारिश काफ़ी तेज़ थी, लोगों का जो प्रतिशत बढ़ा है वो बढ़ा है 4 बजे के बाद आने का। ईटानगर में भी आपने देखा होगा जितने भी पोलिंग स्टेशन विजिट किए होंगे सुबह और दोपहर में बहुत कम परसेंटेज था लेकिन शाम को वो परसेंटेज बढ़ा, तो हर एक मतदाता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर उसने 4:55 पे हमने देखा है कि लाइन है और वो लोग शाम को आए हैं तो हमारा ये पूरा दायित्व है कि उनकी वोटिंग को हम लोग स्वीकार करें। सर इस पर सिंगल कोटा पोलिंग स्टेशन कितना था? एक ही था जिसमें 100% हमने अचीव किया। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम वोटर जो शुरू बताया था कि 10 तक भी हमारे रहे हैं, कुछ 8 भी वोटर्स के एक स्टेशन था, 10 का भी था, वो भी डिटेल हमने पहले आपके साथ शेयर की थी, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी हम आपको दे देंगे। हाँ बिल्कुल अपडेट है, जैसा अपडेट अभी हमने बताया कि जो डिटेल्स अभी दी गई है वो सबका पूरा कंपाइलेशन करने के बाद ही दिया है, बट जैसे मैंने कहा कि सागाली में अभी भी चल रहा है और ईटानगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिकली ईटानगर में अभी हमारा टोटल जो अराउंड 5 बजे तक हमारे पास 30% की कुछ होती, लेकिन 39-40 तक हमारे पास ये चला जाएगा जो कि पिछली बार भी उतना ही था। मतलब 5 बजे के बाद भी पॉलिंग चल रहा था सब कहीं एक जगह थी, और जो कंपाइलेशन हमारे पास होता है वो होता है कि हम जो एग्जैक्टली जब DEO उस पर साइन करके हमारे पास भेजता है, हमारे पास टेलीफोन से जो रील्स वो आती है उसको हम लोग नहीं मानते हैं, तो वो जब तक DEO के पास जाती है और वो कंपाइलेशन करके हमें भेजते हैं उसी को हम ऑथेंटिक रिपोर्ट मानते हैं, और इसी का कारण है कि ये अभी तक हमारे पास लेट रिप्लाई आ रहा है। हाँ 2019 में ये अराउंड 6 करोड़ का था और इस बार हमारा 18 करोड़ का। कैश को मिसाल आइटम्स के साथ एवरीथिंग तो कैश तो हमारा 8 करोड़ पर वो भी क्रॉस कर गया, लेकिन पिछली बार भी जो टोटल था वो 6 करोड़ ही था, इट्स नॉट अबाउट ओनली कैश। आप इलेक्शन से वो काउंटिंग की बात, वो क्लेम जो क्लेम करेंगे उसको आप 1 करोड़ से ऊपर का जो भी सीजर होता है वो इनकम टैक्स के पास जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर सब हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में अभी हैं और वो लोग अपनी उचित कार्यवाही करेंगे। बिलो 1 करोड़ इट विल बी इन द लिमिट ऑफ इलेक्शन कमीशन। या दैट इज सीज्ड बाय द DEO, सो द DEO विल अगेन फॉलो द SOPs। और आई कार्ड्स को लेकर भी सवाल रखना चाहूंगी जो ECI की तरफ से हमें दिया गया था, उसको लेकर भी सर अभी आज हम लोग गए थे वहाँ पे BLO को दिखाया, फिर BLO ने फिर इस तरह के मतलब पुलिस फोर्स को दिखा रहे हैं, तो मैं उतना प्रोसेस करने के बाद में क्यों
परमिशन को लेकर भी इतना मीडिया को स्पीच दी आपको परेशान किया गया सर ये एक बात मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगा मैं और ये सर आज गए थे वहां पर नाहरलगन न्यूजुली उसके विजिट करके आ रहे थे तो उसके बाद हमको इस तरह ट्रीट किया गया मैंने दिखा ये देखिए कार्ड है मतलब सर कुछ सर कार्ड दिया कार्ड है कमीशन से दिया हुआ है तो बोला आपके पास गाड़ी का पास था गाड़ी का पास तो है नहीं फिर थोड़ा इस तरह से बिहेव किया फिर भी एडवेंट हम लोगों ने थोड़ा बात करके आ गया आई जस्ट थॉट मैं इन्फॉर्म कर दूँ आपको उसकी बाद में कॉलिंग भी सॉरी काउंटिंग भी होंगे तो जो ग्राउंड लेवल पर जो पुलिस स्टाफ होता है उसको कितना भी हम अगर हमने पूरी तरह से ब्रीफ किया सीनियर ऑफिसर्स को लेकिन उनके उनको नीचे क्या मैसेज गया है और कैसे उन्होंने बिहेव किया है वो उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी होती है कई बार उसको पूरे सिस्टम के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए और ऐसा सही बोला आप सिस्टम को जोड़ के आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी तो ऐसे हाई एटीट्यूड दिखाता है ईटानगर हम लोग 17-18 पोलिंग स्टेशन घूम लिया कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ एक कॉन्स्टेबल और प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो इलेक्शन कमीशन हम नहीं जाता किसी को अलाउ नहीं तो गवर्नर के साथ में आदमी जो वीडियो बना सकता है तो हम लोग ऐसे जर्नलिस्ट एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है गवर्नर के साथ भी जब कोई वीडियो बना रहा था तो उसको तुरंत मैंने बाहर निकाला था और आपने और बाहर से क्योंकि कोई अलाउ नहीं है आप देख सकते हैं पेमा खांडू साहब अपना पोलिंग स्टेशन में वोट मार सकता है किरण रिजिजू मार सकता है वीडियो हम लोगों को लोग शेयर किया हम लोगों ने अपलोड किया वहाँ ऑब्जेक्शन है तो ईटानगर में क्यों ऑब्जेक्शन है जैसा कि आपने बताया कि 17-18 पोलिंग स्टेशन आपने विजिट किए वहाँ कोई दिक्कत नहीं और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वजह से आपको दिक्कत हुई तो यही मेरा कहना है कि एक पर्सनैलिटी इंडिविजुअल पर्सनल के जो स्वभाव है उसका जो व्यवहार है उसको लेकर आप पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते